नमस्कार दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन पूछा है अदिति जोशी जी ने। तो इनका क्वेश्चन है कि अगर मेरे फार्मलैंड के नीचे से अगर पाइपलाइन जा रही है तो क्या मैं इसके ऊपर हाइड्रोफोनिक स्ट्रक्चर का सेटअप कर सकती हूँ, और मुझे क्या इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में अगर मैं ऐसे एरिया पे अगर पोलर सेटअप करती हूँ। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर कट आंसर है कि आपका जो हाइड्रोफोनिक सिस्टम है वो आपका अबोव लैंड है, मतलब इनसाइड द लैंड उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उसके नीचे से पाइपलाइन जा रही है, सबवे ट्रेन जा रही है, कोई भी जा रहा है। तो जनरली आपका हाइड्रोफोनिक सिस्टम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 फीट तक ज़मीन के अंदर होता है, वो भी सिर्फ आपका पॉली हाउस स्ट्रक्चर का जो साइड के जो विंग्स होते हैं या साइड के जो जीआई मटेरियल जो स्टील्स होते हैं बस वो 3 फीट के लिए अंदर जाते हैं जो फाउंडेशन का काम करते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी सिस्टम ज़मीन के अंदर नहीं होती है। एक दूसरी सिस्टम जो ज़मीन के अंदर होती है वो आपकी रिजर्वर टैंक, जो रिजर्वर टैंक आपका एंड में होता है जिसको हम लोग ज़मीन में डालते हैं। और जनरली ये जो होता है वो होता है आपका 12 फुट बाय 4 फुट का, इतना एरिया आप अवेलेबल कर सकते हो आप ज़मीन के अंदर, और वो तकरीबन 4 फुट का आपका होगा लेंथ में नीचे ज़मीन में। तो अगर आप इतना एरिया अवेलेबल कर सकते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ज़मीन के नीचे से अगर पाइपलाइन जा रही है तो क्या मेरा हाइड्रोफोनिक सेटअप फ्यूचर में जा कुछ इश्यू क्रिएट करेगा या फिर पाइपलाइन पे प्रेशर बिल्ड करेगा, इस प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं आता है। एक्चुअल में जो फार्म सेटअप हमने किया हुआ है, जो हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास का जो फार्म है उसके नीचे से तकरीबन कहीं ज़्यादा पाइपलाइंस गई हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई भी इश्यू हमें कभी भी इसके बारे में देखने नहीं मिला, कोई भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ, ना हमें, ना जो पाइपलाइन को है उसको, ना हाइड्रोफोनिक सिस्टम को। तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर था आज के क्वेश्चन के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।